अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रूप। क्रूप का दूसरा नाम है ट्रैकियोलेंजियो ब्रोंकाइटिस। ये बच्चों में कॉमन है, किन बच्चों के अंदर कॉमन है? जो स्कूल गोइंग प्री स्कूल जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर, मतलब लेस देन 3 ईयर्स, 3 माह से लेके 3 साल तक के बच्चों के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक का वायरल इन्फेक्शन और एक्यूट वायरल इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। एक्यूट वायरल इन्फेक्शन हो 3 मंथ टू 3 ईयर्स के बेबीज में, तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं ग्रुप में। अब ग्रुप की क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं वो पढ़ लेते हैं। तो ग्रुप किन के अंदर कॉमन है, किन बच्चों में? प्री स्कूल, वो कौन से होते हैं? लाइक आप प्री स्कूल से याद रखते हैं, डायरेक्टली एज याद रखती है 3 मंथ्स टू 3 ईयर्स की एज में अगर बच्चों को रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो तो आप उसको एज अ कंसिडर कर सकते हैं ग्रुप। और इसके अलावा क्या फीचर्स होते हैं? ये मेल बेबीज के अंदर कॉमन है, मेल्स में कॉमन है। और ये कॉमनली कोल्ड वेदर, लाइक कोल्ड वेदर स्कैन या आप विंटर्स कह लें, विंटर्स में कॉमन है। सेकेंडली ये एक्यूट वायरल इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है। ये एक्यूट डिजीज है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, और वायरल इन्फेक्शन पे सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब वायरल इन्फेक्शन है, वो वायरल कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं। वायरसेस कौन से हैं, लाइक इसकी कॉज क्या, वायरल कॉज है तो वायरसेस देख लेते हैं। इसके वायरसेस क्या हैं, कौन कौन से हैं, तो आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है, क्लिनिकली भी। दो मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन जो इसका वायरस है, मोस्ट कॉमन कॉज है वो है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। और उसकी भी टाइप 1, इसके अलावा टाइप 2 एंड टाइप 3 भी। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 क्या कर सकती है, ग्रुप कॉज कर सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉजेस टाइप 1, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप 1। इसके अलावा दूसरे वायरसेस लाइक एडीनो वायरस, रेस्पायरेटरी सिंसिशिया वायरस, RSV, मीजल्स इज द कॉज ऑफ, मीजल्स इज द कॉज ऑफ क्रूप। इसके अलावा कौन सा वायरस हो सकते हैं, और एच इन्फ्लुएंजा वायरस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस इज द कॉज ऑफ क्रूप। आप सिर्फ ये याद रखें पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो सकता है। अब इसकी कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। सिम्टम्स पहले देख लेते हैं, साइंस वेरी इजी है, तो इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट का रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो नैरो हो रहा होता है। तो अब इसके अंदर एक स्टीपल साइन मिलता है जिसमें क्या होता है, पेशेंट का रेस्पिरेटरी ट्रैक ट्रैकिया जो है वो क्या करता है, वो कोलैप्स कर रहा होता है। ऐसे प्रेजेंट होता है जैसे कोलैप्स कर रहा होता है, पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल आ रही है। और पेशेंट के क्या होंगे, वो सारे सिम्टम्स क्या आएंगे। सबसे पहला पेशेंट का सिम्टम क्या होगा, पेशेंट को एक तो माइल्ड फीवर होगा, इन्फेक्शन है तो माइल्ड फीवर विद कफ। अब कफ कौन सी होगी, सांस नहीं ली जा रही पेशेंट को, लाइक जैसे सील, सांस सील की आवाज होती है, पेशेंट जो है बच्चा है वैसे खांसी करेगा, उसको हम कहते हैं बार्किंग कफ। बार्किंग कफ आप YouTube से इसको सर्च करेंगे, बार्किंग कफ कैसी होती है बच्चों की, यही एक इनफ है आपको क्रूप को डायग्नोज करवाने में, बार्किंग कफ। और सेकेंडली 80% चांसेस होते हैं क्रूप के, कि क्रूप के अंदर पेशेंट को, जो स्टूडेंट जो बेबी है उसको क्या होंगे, इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर्स मिलेंगे, स्ट्राइडर्स। इसके अलावा पेशेंट के रिब्स रिट्रैक्शन होंगे, आपको रिब्स प्रोमिनेंट होंगी,
अलावा कुछ कॉमन अनकॉमन सिम्टम है, ये चीजें आप याद रख लें ये डायग्नोज करने के लिए इनफ है। इसके अलावा पेशेंट का सांस का इशू है तो माइल्ड डिस्निया होगा, पेशेंट को क्या हो सकता है स्नीजिंग हो सकती है, और इसके अलावा एक साइन है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ये साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे आपको ग्रुप में। बट अनलाइक इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर बाकी जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, जो सिम्टम्स हैं आपको कुछ अदर डिजीज लाइक एपिग्लोटाइटिस जो कि आपके इमरजेंसी कंडीशन है उसमें भी मिल सकते हैं, लेकिन उसके जो साइन सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट है, ये एक्यूट है, ये स्लो प्रोग्रेसिंग डिजीज है, इसका याद रखना ये स्लो प्रोग्रेसिंग है। और ये जो आपके सिम्टम्स हैं ये वर्स होते हैं या मोर सिम्टोमेटिक होता है एट नाइट टाइम, रात के वक्त जो बच्चा होगा जो बेबी होगा वो मोर सिम्टम्स शो करेगा, ज्यादा उसको जो है कंडीशन उसकी वर्स होगी, मोर क्या होगा उस टाइम पेशेंट का जो कंडीशन है वर्स होगी। अब इसके देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशंस, डायग्नोस कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे ही बी प्रेजेंट करेगा इसकी हिस्ट्री ही आपको बता देगी, लेकिन और क्या होगा ये क्लिनिकली ही डायग्नोस हो जाएगा, बट आपने इसको कंफर्म करना है तो कंफर्मेटरी टेस्ट में बेस्ट इनिशियल टेस्ट आपका आ जाएगा। जब भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो तो बेस्ट इनिशियल टेस्ट आपका चेस्ट एक्सरे होगा। अब इसका चेस्ट एक्सरे वेरी क्लियर बहुत क्लियरली दिख जाता है, उसके अंदर आपको ऐसे नैरोइंग मिलती है लाइक आपकी ये ट्रैकिया है, इसमें एक साइन मिलेगा आपको ट्रैकिया यहाँ से ऐसे क्या होगा पिंचिंग होगा, ये एक स्टीप सी मिलेगी, ये चीज आपको मिलेगी ट्रैकिया के अंदर, इसको कहते हैं स्टीपल, स्टीपल साइन। जब ये मिल गया तो कंफर्म है कि ये ग्रुप है, तो आपने सीएक्सआर के अंदर चेस्ट एक्सरे के अंदर ये नहीं भूलना, चेस्ट एक्सरे के अंदर एग्जाम में कहीं पे भी स्टीपल साइन लिखा हो, स्टीपल साइन लिखा हो तो वो कंफर्म है कि ये ग्रुप है। अब इसके अलावा कंफर्मेटरी टेस्ट है मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इसका है, वायरसेस की वजह से है तो वायरसेस के लिए पीसीआर करवाते हैं, ये हो गया इसका डायग्नोसिस। अब कर लेते हैं इसका ट्रीटमेंट, वायरसेस हैं वायरल के लिए एंटीवायरल ड्रग्स बच्चों में तो यूज करेंगे नहीं और ये खुद ब खुद टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने इसको सिम्टोमेटिक ट्रीट करना है। तो आपने अगर तो पेशेंट की कंडीशन माइल्ड है, माइल्ड जो है सिम्टम्स के साथ आप अगर पेशेंट प्रेजेंट करता उसमें आप सिर्फ क्या करेंगे पेशेंट को मिस्ड थेरेपी रेकमेंड करेंगे, कोल्ड मिस थेरेपी प्लस फ्लूइड्स, बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट में फ्लूइड्स एंड मिस थेरेपी ही है। लेकिन माइल्ड मॉडरेट टू सीवियर कंडीशंस के अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है पेशेंट को ऑक्सीजन की सप्लाई देनी है क्योंकि पेशेंट को डिस्नेया कंप्लेन होगी। सेकंड पे आपने अगर इसका बेस्ट इसका मोस्ट एक्यूरेट जो है ट्रीटमेंट पूछा जाए तो वो है स्टीरॉइड्स IM, और उसमें कौन सा डेक्सा मेथा सोन प्लस, ये प्लस है ये सभी इकट्ठे देने प्लस आपने नेबुलाइज करवाना है पेशेंट को, नेबुलाइज विद नेबुलाइज किस चीज के साथ करना है आपने इसको रेंसिड एपीनेफ्रिन के साथ, एपीनेफ्रिन के साथ क्या करवाना है नेबुलाइज करवाना है। ग्रुप
बाद ऐसी डिजीज हो कि जो नेबुलाइज करवाने पे एपिनेफ्रिन के साथ बेटर क्या करेगा, आपके सिम्टम्स को क्या करेगी, ये कवर करेगी एपिनेफ्रिन। तो एक दफा दोबारा रिपीट कर लेते हैं, अगर माइल्ड सिम्टम्स हों तो सिर्फ मिस थेरेपी एंड प्लस उसके साथ फ्लूइड्स देने हैं, और अगर मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन है, सीवियर कंडीशन में आपने क्या करना है, एंटीबायोटिक्स देने हैं, साथ में क्या करना है, डेक्सामेथासोन, और साथ में नेबुलाइज करवाना है किसके साथ, एपिनेफ्रिन के साथ। और जो स्टीरॉयड देने हैं वो आईएम देने हैं और ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। तो ये था क्रूप। क्रूप को एक दफ़ा दोबारा जो जो कॉमन चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट अगर रिपीट कर देता हूँ, एक्सरे के अंदर आपको स्टीपल साइन मिलेगा, आपने पेशेंट जो होगा पेशेंट क्या प्रेजेंट करेगा, बार्किंग कफ, बार्किंग का SCI जैसे सील की आवाज़ होती है वैसे खांसी कर रहा होगा, और रात के वक्त उसके जो सिम्टम्स है वो वर्स होंगे। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये क्या होगा, क्रूप होगा, और 3 मंथ से लेके 3 साल के बच्चों के अंदर ही होता है ये, प्री स्कूल बेबीज के अंदर। तो ये था क्रूप।